एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है सैटरडे और फाइनली हाउस हेल्प आ गई है और मैं बहुत खुश हूँ। मेरा मन कर रहा है कि मैं लड्डू बांटूँ क्योंकि इतना परेशान हो गई थी मैं। तो अभी जो झाड़ू पोछा है वो हो गया है, बर्तन हो रहे हैं वहाँ पे और चाय है मैंने चढ़ाई है और मुझे ब्रेकफास्ट करना है। थोड़ा सा कुछ खाऊँ मैं, उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी। अब मैं काफ़ी लेट हो गई क्योंकि ये लोग लेट हो गए यार। सोचो ये चलते हैं और करते हैं आज का काम। तो आज दिन की शुरुआत बिना थके हुई है मेरी, कहते हैं ना बिना थके। तो मैं काम जो मेरा काम है वो हो गया है, अब मैं अपने और काम में कंसंट्रेट कर सकती हूँ। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया था और ये जो काम रहता है ना ये बहुत ज़्यादा आपको परेशान करता है। मेरा एक घंटा बर्तन मांजने में जाते हैं डेली, बट वो आएगी एक ही टाइम, बस ये है क्योंकि वो एक ही टाइम आती है। ये है बस, वो आती हैं और उनकी बेटी आएंगी, तो दो लोग हो जाएंगे तो जल्दी काम भी हो जाएगा। सो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ चाय पीने। और आज राजा सब्जी लेके आया था कल, तो बैंगन मैंने उतर के देखे नहीं और उसने ना काने बैंगन दे दिए, लाइक छेद वाले बैंगन जिसे काने बैंगन बोलते हैं। थोड़ा सा मैसी हो रहा है मेरा एरिया, मुझे बॉटल्स वगैरह भरनी है फिलहाल। चलिए अब मैं जा रही हूँ चाय पीती हूँ और उसके बाद हम आगे का जो ब्लॉग रिकॉर्डिंग करेंगे। सो गाइस, जस्ट मैंने शार लिया है और जो ब्लॉग है वो भी अपलोड हो रहा है और राजा जो है वो सही है। मैंने अपने भाई से बात करी थी, आप लोगों को पता होगा तो मेरा भाई डॉक्टर है MD, तो उससे बात करी थी मैंने। तो उसने बोला वो गैस पेन नहीं है, वो मसल पेन है क्योंकि यहाँ से जो पेन था वो चला गया और ये 12 आवर्स एक सीट पे बैठे रहते हैं तो ये जो दर्द है ये ऑब्वियसली हो सकता है। तो फिर उसकी दवाई दी है उन्हें और अब वो खा रहे हैं तो ठीक हो जाएंगे। वो मसल पेन है क्योंकि यहाँ से पूरा चला गया, कमर में बचा हुआ है। ऐसे ही परसों क्या हुआ था, मुझे यहाँ पे हो गया था। और अभी हम लोग जाएंगे बेड शॉपिंग के लिए और सैटरडे लंच हम बाहर जा रहे हैं क्योंकि जो राजा है वो मानता नहीं है और मेरे को लगा चलो ठीक है चलते हैं। जो टॉप है ये मैंने बहुत दिनों बाद पहना है और ये जो टॉप है मेरे दिल के बहुत करीब है। आप लोग को पता है कि इस टॉप में एक नेकलेस था यहाँ पे, एक सेकेंड। तो ये नेक पीस पैटर्न था इसमें, मैंने इसे धोया था और ये जो है ये बीच में से टूट गया। सो बहुत दिनों से मैं इसे पहन नहीं रही थी, उसके बाद फिर मेरे को लगा यार चलो पहन लेना चाहिए। अब इसको मैंने निकाल दिया, ये अगर फिक्स हो पाता है तो मैं देखती हूँ, अगर नहीं हो पाता है तो वो देखेंगे। ऐसा कुछ सही लग रहा है वो। तो हम लोग जा रहे हैं संघड़िया मॉल, वहाँ पे एक न्यू थाली लॉन्च हुई है, वो 99 वाली थाली काफ़ी चल रही है वो थाली, तो हम लोग को बहुत दिनों से ट्राई करना था। तो वह है 99 रुपीज़ वाली थाली और जो फोटो बनी हुई वो बहुत टेंप्टिंग है, बट देखते हैं कि असलियत में क्या है। और जो वो जो है वो आज थोड़ा ठीक है, जब थोड़ा कहते हैं ना घर में कोई आता है तो थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है, तो गोजा सबसे एक्टिव था, अभी सोया है वो और मैं सबसे सोने दे रही हूँ क्योंकि मुझे तैयार होने जाना है। तो फटाक से मैं तैयार होती हूँ, मैं एक बीबी क्रीम लगाऊंगी, लिपस्टिक, काजल, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगाऊंगी क्योंकि गर्मी काफ़ी हो रही है और मुझे अपर लिप्स में स्वेटिंग बहुत होती है। बहुत जल्दी जल्दी बात कर रही हूँ क्योंकि मैं जल्दी जल्दी जाकर तैयार हो रही हूँ। तो चलिए मैं जाकर तैयार होती हूँ, फटाक से आती हूँ। सो गाइस, मैं तैयार हो गई हूँ और मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है क्योंकि मेरी बैटरी जा रही है फ़ोन की और मिस्टर राजा जी लेके चले गए हैं मेरा चार्जर। सुबह से मैंने लगाया नहीं था तो मुझे पता नहीं था और अभी मेरे को देखा मैंने तो वो अपना तो लेके गए, अपना उन्होंने निकाला नहीं। राउंड लोग के चार्जर सेम है क्योंकि फ़ोन भी सेम है, तो उन्हें अपना रात में निकाला नहीं चार्जर, मेरे से ही चार्ज किया होगा उन्होंने क्योंकि मैंने रात को भी चार्ज नहीं किया था और वो ले गए, उन्हें लगा उनका है। मेरी बाल ना एक साइड से बहुत उलझते हैं, ये वाला साइड है ना, जो ये वाला जो साइड है वहाँ से मेरे बाल बहुत ज़्यादा उलझते हैं। सो गाइस, फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ, मैंने सिर्फ जीन्स पहनी, मैंने लोअर पहना हुआ है। ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, बाल बन जा रहे हैं, ये कंघी हो रही है राजा की। एक घंटा लगता है। गाइस, हम लोग चल रहे हैं, मेरे यहाँ पे ना मस्कारा अंदर चला गया है और वो निकल नहीं रहा है, तो एक साइड से जो काजल नहीं लगाया मैंने वो मस्कारा है वो निकल नहीं रहा है। तो चलिए चलते हैं, धूप अच्छी खासी है ना, मौसम बहुत अच्छा है, बहुत तेज धूप है, कम से कम 44 डिग्री सेल्सियस होगा टेम्परेचर बाहर का। तो चलिए चलते राजा, मुझे
राजा तल नहीं। अच्छा राजा बताओ स्टॉप में क्या मिसिंग है? कुछ ऐसा वैसा। क्या कुछ टूट गया है? इन्हें पता है, देखिए इसलिए मैंने बहुत दिनों से नहीं पहना था ये टॉप। आपका कौन सा डियो? हाँ मैं परफ्यूम नहीं लगाऊंगी आज। ये देखिए कौन सा क्रीम वाला, कोई स्टूडियो है उसका ही करती हूँ। लड़की वाला, लड़की वाला, लड़की वाला। लगे तो हैं। चलो गर्मी गर्मी हीटर है क्या है ये कार? सुपर हीटर। और ठंड होती है अभी तो? अच्छा तो, नहीं तो भी अच्छा नहीं लगता है गर्म कार में। गोगल पहनने का मन करता है गर्मियों स्वेटिंग बस होती है। यहां स्वेटिंग होती है। हां गोगल स्वेटिंग होती है, मैं नहीं पहनता इसलिए इसको। पानी वाला गोगल नहीं है तो भी पानी निकलता है इसमें। हां तो तू क्या है? सुनो गाना आपके लिए सुनो। टायर अगर पीछे लगा लेंगे स्टेपनी तो उसके अलग चार्जेस। यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, सफाई करके देखो अच्छा लगता है। कितनी गंदी हालत हो रही है हमारी। पंचर है उसमें कोई जाता होगा? ये जरूर उसमें कोई जाता होगा। यार यहाँ पे अच्छा लग रहा है यार, यहीं पे बेड लगा लो यार। अच्छा पता बेसमेंट में ना ठंडक रहती है। मॉल की पार्क का एडवेंचर करो ना मॉल में, नाच के दिखाओ मतलब बेसमेंट में। अरे ढंग के चक्कर, हां कैमरे लगे हैं। देखो इसमें लिखा है फोर व्हीलर पार्किंग फाइव नंबर है वो। चलिए भाई लोग आ रहे हो बोलेंगे पागल लड़की। धोखा मिला यहाँ पे, 99 वाली थाली नहीं है, 104 है और उसमें पनीर वनीर कोई सब्जी नहीं है, तो हमने 150 वाली थाली मंगवाई है इनसे और उसमें पनीर की सब्जी है और लिमिटेड भी नहीं है, अनलिमिटेड भी नहीं है, लिमिटेड है। हमने सुना था कि यहाँ पे अपना अनलिमिटेड खाना मिलता है और वो अनलिमिटेड की नहीं, जैसे कि बात ये कि टेस्टी खाना, टेस्टी खाना। अब देखते हैं टेस्ट का पता नहीं है, पहले कमेंट नहीं करना चाहिए। अनलिमिटेड भी बोला था और 99 निकला तो ठीक है। पनीर नहीं था, पनीर नहीं है, 150 में पनीर है, तो हमने एक थाली मंगवाई है। अगर इनकेस ज़रूरत पड़ती है दूसरी मंगवाएंगे, अगर अच्छा नहीं लगा है तो फिर कोई और ऑप्शन ट्राई करेंगे। तो अभी एक थाली मंगवाई जिसमें 5 रोटी है, 3 पूरी है और हम रोटी एक्स्ट्रा करवा लेंगे अगर सब्ज़ी वगैरह अच्छी हुई तो। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो जो ओनर है ना वो बहुत ज़्यादा लड़ रहा है, किस बेचारे वेटर पे चिल्ला रहा है वो। और जो सर्विस है वो बहुत गंदी है, हमें 15 मिनट हो गए हैं और कोई नामो निशान नहीं है खाने का, तो सर्विस बहुत बुरी है। वरना अगर थाली वाला सिस्टम होता तो खाना बहुत जल्दी लगता है उसमें, क्योंकि प्री प्रिपेयर्ड रहता है खाना, बट
15 मिनट से कुछ नहीं हुआ है, मैं देखती हूँ कितना टाइम और लगता है और आपको अपडेट देती हूँ। आधा घंटा हो गया है अब और खाना नहीं आया है। बहुत ही बुरी सर्विस है, बहुत बुरी सर्विस है। उनसे पूछा तो बोल रहे खाना गर्म हो रहा है, और हमारे बाद जो आए थे उनको खाना मिल गया है तो बोल रहा है वो नॉर्मल खा लिया। मैंने बोला खाना बना रहे हो तो बोल नहीं खाना गर्म हो रहा है, आधे घंटे से खाना गर्म हो रहा है और अभी तक खाना नहीं आया, हम लोग भूख के कारण मर गए। इससे अच्छा तो मैंने घर में खाना बना लिया तो वही खा लेते। खाना गर्म हो रहा है आधे घंटे से, आई थिंक स्टोव पे गर्म हो रहा है खाना, ये चूल्हा चल रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। आ गया है खाना, देखते हैं। सो ये है 150 की थाली और क्वांटिटी देखिए, अब चावल इतने से हैं, 5 रोटी, 3 पूरी, ये कौन सी सब्जी, राजमा लग रहा है मुझे, पनीर का है जी। अच्छा ये पनीर है, आई थिंक ये राजमा है, ये दाल है, ये कड़ी है और ये सब्जी है, रसगुल्ला, रोटी और पूरी और कैसा खाना है? ठंडा है एंड गर्म कलर। अलग ही रखते है, कुछ खास नहीं है। 4 corner अरे यहाँ जो खाना था ना वो बहुत ही बेकार है, बेकार। ये जिसको खाना खाना हो घर का वो यहाँ सकता है, बहुत ही टेस्टी, इनको अच्छा नहीं लगा। मुझे इतना टेस्टी आज तक का अपने घर का खाना भी नहीं लगा। तो अब से राजा डेली यहीं पे खाएगा। सच बताओ यार, भड़काओ नहीं लोग। इतना वाहियात खाना की मतलब, अगर आपको कढ़ी भी दी उसने तो कढ़ी में पकौड़ी नहीं है। हाँ, कढ़ी में पकौड़ी। पनीर की सब्जी दी है तो 3 इतने छुटके छुटके तो नाखून के बराबर पीसेस, पनीर के पीसेस। हाँ, राजमा में राजमा नहीं थे, राजमा राजमा की जगह आलू आलू थे और राजमा नहीं थे, मतलब 2-4 आलू राजमा मिले। दाल बहुत ही अजीब सी थी, मतलब खाना। और अगर 150 की उनकी स्पेशल थाली ऐसी है तो जो 99 वाली थाली है, जो 104 की है, वो कैसी हो? और हर जगह यही लिख के रखा 99 में फुल पेट भर के खाना। हाँ, जबकि आपका पेट नहीं भरेगा, क्योंकि खाने में आपको समझ में नहीं आएगा कि आप जो रोटी है वो किस सब्जी से खाए या चावल है, वो सब्जी है। पूरी में नमक नहीं। हाँ, पूरी में नमक नहीं, बहुत ही गंदा खाना था। और रोटी में आटा नहीं, बकवास। रोटी में आटा नहीं, बकवास। तो हम लोग जा रहे हैं बेड देखने, उसके बाद में से बात करके लोग यहाँ मुझे देख रहे हैं कि बेड देखने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा खाली है, पेट भर के वहीं सो जाएंगे। सो गाइस, हम लोग अभी आए हैं और मैं क्या लाई हूँ पता है आपको? हम लोग क्या लाए हैं, मुझे दिख गया था, मैं फर्नीचर शॉप पे गई थी, हम लोग फर्नीचर शॉप पे गए थे, मैं अकेली सोया गई थी। हाँ, तो हम लोग फर्नीचर शॉप पे गए थे, बेड आगे क्यों है सोफा? हाँ, बेड समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि हमें 6x6.5 का लेना था और 6x6 के बने हुए थे बेड। और फिर हम लोगों को लगा कि कारपेंटर बुला के हम अपने हिसाब से डिजाइन वो करा के बेड बनवाएंगे, क्योंकि वो लोग भी 10 दिन मांग रहे, बोल रहे कि शादी का सीजन है। फिर मैंने हम लोगों ने बोला ठीक है, एक काम करो, अभी होल्ड पे रखते हैं उसे, और कारपेंटर से हमने बात कर ली, वो 12 तारीख को फ्री होगा, उसके यहाँ पे भी शादी है तो देखते हैं। बट मुझे वहाँ पे एक चीज़ मिल गई थी और वो है ये, और ये मैंने राजा से बोला कि राजा मुझे ये चाहिए ही चाहिए, अब बेड को मारो गोली, जब मिलेगा तब मिलेगा। तो ये हम हाँ वो मिल ही नहीं रहा, तो कोई मतलब नहीं है ना, 3 दुकानें देखी। हाँ, फिर परेशान हो गए हम लोग घूम घूम के। तो ये है स्टोरेज के लिए, और ये मैंने अपने मेकअप स्टोरेज के लिए करवाया, मेरे जो मेकअप सब्जी वब्जी रखने के लिए लाया हमने, पक झटका। सो ये नील कमल का है, ये देखें बना हुआ,
ये फोकस नहीं कर रहा है, बट नील कमल का है और ये पड़ा है 1900 का। काफ़ी अच्छी स्टोरेज है इसकी, यहाँ पे दिखाती हूँ खोल के। और यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं था, मैंने बहुत जगह देखा पर मिला ही नहीं, तो फाइनली मुझे दिखा फिर मैंने कंपनी का लिया है अपना। तो ये लिखा बोले आते तो 800,000 रुपये मिल जाता। अरे पर मिल ही कहाँ रहा था, ऑर्डर करवा देते चाइना से। सो ये चार स्टोरेज वाला लिया है, अच्छा खासा बड़ा है ये, तो ये लिया है। और काफ़ी गर्मी हो रही है, मैं जाके चेंज करती हूँ और उसके बाद थोड़ी देर बाद अरेंज करूँगी इसमें, तो कुछ नया आता तो अरेंज करने का मन करता है। ये बोझे से पैर उठा सकता है, उद्घाटन कर सकता है सब पैर उठा के। सो अभी मैंने इसे यहाँ पे रख दिया है, ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं रखना, मेकअप वाले रूम में रखना है। चलिए यहाँ से चलते हैं, यहाँ ब्लू लाइट यहाँ ब्लू लाइट चला रहे थे जिसमें मैं भूत दिखती हूँ। ये वही ने क्या किया, इसे पानी गिराया है, पानी पे लेट गया और इसके हाथ पैर चला रहा, पता नहीं कहाँ से कीचड़ में लेट के आया है ये। कहाँ से आया तुम कीचड़ में लेट के, तुम कहाँ से कीचड़ में लेट के आयो? हाँ बत्ती, मैं कीचड़ में नहीं लेटा था, मैं तो कीचड़ टाइप का हुई, मेरी बॉडी में मिट्टी लगी हुई थी, पानी गिर गया तो पूरी मिट्टी पिघल के मेरे ऊपर ही लग गई। हाँ चलोगी आ घूमी करनी है आपको ना, पानी तो पिया ही नहीं आपने। मेरे बाल उड़ गए आके, इसके बाल उड़ गए, मेरे बाल उड़ रहे हैं अब, इसके बाल नहीं डर, इसके बाल नहीं निकलते ना, फेरी आ रही फेरी वाली पिक्चर थी ना। बोरे बाने तरोगे? तो चलिए अभी मैं जाकर चेंज करूँ, ये तो चेंज करके लेट गए, मैं भी चेंज कर लूँ, उसके बाद फिर हम लोग आगे का जो ब्लॉग है सैटरडे का कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं क्या करते हैं। और सो गाइस आज है संडे और सो मैं अभी थोड़ी देर पहले उठी थी और अभी मैंने चाय चढ़ाई है, मतलब मॉर्निंग टी। तो राजा जो है वो सो रहा है, मैंने राजा से पूछा कि मॉर्निंग टी पीनी है, उन्होंने बोला अगर बन रही है तो बना दो बस। सो गाइस अब मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कल ब्लॉग एंड नहीं किया था तो मैं आज ब्लॉग एंड कर रही हूँ, और आज का ब्लॉग क्योंकि मुझे शुरू करना है मंडे के लिए, तो अभी मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स पे जो कि हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मैं आपसे मिलती हूँ कल 4 बजे विद अ न्यू ब्लॉग, तब तक के लिए बाय।